हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के विषय में जानेंगे कि हमारे एंशिएंट इंडिया में कौन कौन से प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करते थे। देखिए, सबसे पहले हम बिहार क्षेत्र की बात करते हैं। बिहार क्षेत्र शिक्षा के मामले में वर्तमान का जो बिहार है, वो प्राचीन काल के समय से ही ये एरिया जो है वो शिक्षा के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर हम तीन बहुत इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय की बात करेंगे जो विश्व में फेमस थे, जहाँ से दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की, जो वर्तमान में बिहार में है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था, वो दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था और यहाँ से आसपास के तमाम देशों से विद्वान आकर के पढ़ा करते थे यहाँ पर। इसका निर्माण तो अज्ञात है, ये स्पष्ट नहीं है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर किसने बनवाया था, लेकिन गुप्त काल के समय में इसको हम देखते हैं, हर्षवर्धन के समय में और पाल राजाओं के समय में भी हम देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय ने विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त की थी। तो किसने इसको एक्चुअली बनवाया था, स्थापित कराया था, ये स्पष्ट तो नहीं है इतिहास में, लेकिन फिर भी दक्षिण एशिया का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस विश्वविद्यालय ये हुआ करता था। यहाँ पे तीनों बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं वो पढ़ाया जाया करते थे। लेकिन अगर बात करें महायान संप्रदाय की, तो महायान संप्रदाय का ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था। अगर कुछ विद्वान यहाँ की बात करें तो नागार्जुन का नाम आपने सुना, आर्यभट्ट का नाम सुना, तो ये सब इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्वान हैं। ये प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन और आर्यभट्ट का संबंध जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय से है। ह्वेनसांग जो एक यात्री था, वो 2 वर्ष आकर के यहाँ पर रुका था, और इत्सिंग ये भी चीनी यात्री, 10 वर्ष जो है नालंदा विश्वविद्यालय में इसने बिताए थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, हमने बताया कि दक्षिण एशिया का ये सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर बौद्ध शिक्षा ही दी जाती थी, यहाँ पर बौद्ध शिक्षा के साथ साथ वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र और चिकित्सा जैसे विषय भी यहाँ पर जो है पढ़ाए जाते थे। तो दूसरा जो विश्वविद्यालय हम इस एरिया में वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान बिहार में, वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसको पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसको स्थापित किया था और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। देखिए, यहाँ पे बौद्ध शिक्षा को प्रसारित करने के लिए जो राजा हुआ करते थे, वो देश विदेश से तमाम विद्वानों को यहाँ पर आमंत्रित करते थे, सभा लगाते थे। और जो बुद्धत्व है, बुद्धत्व का जो वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय जो है वो यहीं पे फला फूला था। यहाँ पे कहते तांत्रिक शिक्षा भी जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। इसके अलावा जो है तर्कशास्त्र है, वेद, खगोल विज्ञान, नगर विकास यानी शहरी विकास ला भी पढ़ाया जाता था, यानी उसमें विधि, व्याकरण, दर्शन जैसे अनेक विषय जो है यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तीसरा जो इस एरिया में हम देखते हैं, वो है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ये भी वर्तमान के बिहार में ही स्थित था और पाल वंश के राजा जो है गोपाल प्रथम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इनके संरक्षण में इसे बनवाया गया था, लेकिन बख्तियार खिलजी ने जो है इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो वर्तमान का जो बिहार एरिया है, वहाँ पर आप तीन विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल के थे, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी, ये तीनों आप याद रखेंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे, तो हम देखते हैं आंध्र उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा में जो है पुष्पगिरी बिहार और ललित गिरी, पुष्पगिरी बिहार और ललित गिरी, ये जो है कलिंग के राजाओं ने इसको, उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, आप उड़ीसा में जानते हैं उदयगिरी की पहाड़ियाँ, तो उदयगिरी की पहाड़ियों को काट करके वहाँ पे तीसरी शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पुष्पगिरी बिहार और ललित गिरी, ये उड़ीसा में है। ये 3री सदी ईस्वी के आसपास जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र हुआ करता था। आंध्र प्रदेश में अगर हम देख रहे हैं, वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पर नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय आपको याद रखना है।
नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय जो है वो आंध्र प्रदेश में अमरावती आप जानते हैं उसके पास में ही 100-150 किलोमीटर उसके निकट में अमरावती के पास में आंध्र प्रदेश में ये विश्वविद्यालय स्थित था और ये भी जो है बौद्ध शिक्षा का बहुत प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दक्षिण भारत में ये बहुत प्रमुख केंद्र था बौद्ध शिक्षा के लिए और ख़ास करके महायान जो संप्रदाय है महायान धर्म जो है बौद्ध धर्म का उसके विद्वान थे नागार्जुन। नागार्जुन उसके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे उन्हीं के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम जो है वो नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय रखा गया था और ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और देश विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो विद्वान हैं वो आया करते थे। श्रीलंका से चीन से यहाँ पर विद्वान आते थे। देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो कई विहार भी हैं स्तूप भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में ये लोकेशन इसकी है। देखिए कर्नाटका ये कर्नाटक क्षेत्र है यहाँ पर तो कर्नाटक में जो है मान्यखेत विश्वविद्यालय मान्यखेत इसको अब जो है मलखेड़ कहा जाता है मलखेड़ कर्नाटक में ये विश्वविद्यालय था और राष्ट्रकूट शासन के अधीन जो है इसको बहुत प्रसिद्धि मिली थी ये विश्वविद्यालय। यहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लोग यहाँ पर अध्ययन किया करते थे और यहाँ पर आते थे विद्वान। और ये जो द्वैत दर्शन है द्वैत दर्शन संप्रदाय का जो है ये मठ भी हुआ करता था। यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा यहाँ तीनों उस समय के जो प्रमुख धर्म थे जैन बौद्ध और हिंदू धर्म उस संप्रदाय के लोग यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन किया करते थे और यहाँ पर द्वैत दर्शन संप्रदाय का ये मठ भी हुआ करता था। गुजरात आप सौराष्ट्र देख रहे हैं यहाँ पे सौराष्ट्र क्षेत्र जो है गुजरात का यहाँ पर वल्लभी विश्वविद्यालय आप यहाँ पर देखेंगे गुजरात में सौराष्ट्र में। तो जो ये वल्लभी है ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित और ये हीनयान बौद्ध धर्म का जो हीनयान संप्रदाय है उसकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और यहाँ पर देखिए सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं यहाँ प्रशासन शासन कला विधि दर्शन जैसे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। चीनी विद्वान आप जानते हैं ह्वेनत्सांग जो है वो यहाँ पर आया था उसने भ्रमण किया है। और गुजरात के जो मैत्रक वंश आप जानते होंगे इतिहास में पढ़ते हैं मैत्रक वंश गुजरात है जो शासक थे मैत्रक वंश के उनके अनुदान जो है इसको सहायता मिली थी अनुदान मिला था। अब देखिए दो हम ये तो हमने इतने डिस्कस किए दो हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो थे तो भारत में लेकिन वर्तमान में इनको जो है आप पाकिस्तान में जो है देख सकेंगे। तो पहला जो सबसे फेमस है तक्षशिला तक्षशिला अब वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है तो इसके खंडहर वहाँ अवशेष हैं तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है और ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास जो है ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में रहा करता था यानी 5 सदी ईस्वी पूर्व के आसपास की बात है। और ये माना जाता है कि चाणक्य जो थे विद्वान उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना जो है वो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में की थी अर्थशास्त्र की रचना। बहुत फेमस विश्वविद्यालय है तक्षशिला बहुत सारे विद्वान जो प्राचीन समय के आप देखोगे वो सब यहीं से जुड़े हुए थे। देखिए ये बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रमुख धर्मशास्त्र यहाँ पर पढ़ाया जाया करते थे। जो यात्री फाहयान का आप नाम सुनते हैं फाहयान ने भी यहाँ भ्रमण किया था तक्षशिला में। और देखिए बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र के साथ साथ यहाँ पे राजनीति विज्ञान शिकार चिकित्सा विधि और सेना की रणनीति आदि विषय यहाँ पर पढ़ाए जाया करते हैं। और फाहयान यात्री यहाँ पर आया था। कुछ विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं जो तक्षशिला से जुड़े हुए हैं जिनमें आप पाड़िन का नाम याद रखेंगे चरक हैं चाणक्य जीवक प्रसेनजीत ये कुछ विद्वान हैं जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और एक जो है अब पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके एरिया है वहाँ पर एक है शारदा पीठ जो है ये भी अब वर्तमान में पाकिस्तान में है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। ये जो है संस्कृत विद्वानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था संस्कृत के लिए जाना जाता था एक प्रकार से आप कह सकते हो कि संस्कृत का विश्वविद्यालय था। और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना
इस शारदा पीठ में की गई है और यहाँ पर एक शारदा देवी का मंदिर भी हुआ करता था। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें तो इतने विश्वविद्यालय जो हैं वो आप याद रखेंगे। इतने विश्वविद्यालय आपको इंडिया के मैप पे इस तरीके से आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद रखें। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।